आपके साथ। चलती ट्रेन में बिगड़ी ट्रेन चालक की तबीयत, घंटों गढ़वनेली रेलवे स्टेशन पर रुकी रही ट्रेन, गंभीर हालत में चालक को मैक्स 7 में भर्ती कराया गया। गुरुवार की सुबह 6:35 में कटिहार जोगबनी रेलखंड के गढ़बनेली रेलवे स्टेशन पर जोगबनी कटिहार सवारी गाड़ी 55744 के सहायक लोको पायलट के अचानक रक्तचाप बढ़ने से बेहोश होकर इंजन पर ही गिर पड़े। आनन फानन में रेल कर्मियों द्वारा बेहोश हुए सहायक लोको पायलट महेश्वर दास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी बिगड़ती स्थिति को देख कर चिकित्सकों ने पूर्णिया रेफर कर दिया। रेल कर्मियों द्वारा बेहतर इलाज के लिए उसे मैक्स 7 में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर एम के झा ने बताया कि उपवास में रहने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिस कारण बेहोशी आ गई थी। वहीं इस दौरान कटिहार जोगबनी रेलखंड पर 2 घंटों से भी ज्यादा समय के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका है। वहीं इस घटना के बाद जोगबनी कटिहार सवारी गाड़ी 55744 के यात्री को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, खासकर महिला तथा बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई रेल यात्रियों ने ट्रेन को छोड़कर पैदल ही गढ़बनेली बस स्टैंड पहुंचकर बस या ऑटो से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किए। घटना के 2 घंटे बाद कटिहार से इंजन के साथ सहायक लोको पायलट गढ़बनेली पहुंचकर ट्रेन को कटिहार लेकर गए। और उन्होंने कहा बताया कि वो डायबिटिक ना, बिना दवा के वो चल रहे हैं। मोरोवर कल वो फास्टिंग पे थे और वो अपना ड्यूटी निर्वहन कर रहे थे। हमने जब एग्जामिन किया तो हमने देखा कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, और उन लोगों ने बताया कि उनकी फास्टिंग में था तो हाइपोग्लाइसीमिया का संभावना था। बीपी के लिए इंजेक्शन डाला और उसके बाद पानी 10% डिस्टोर देकर हम लोग उसको रेफर कर दिए। जाके जाके जाँच करवा के अपना प्रॉपर इलाज करवा। रेफर कहाँ पे गया? गया हम लोग सदर हॉस्पिटल के हैं, उनके वो लोग शायद महसूस ले गए। आपके साथ।